नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी पीड़ित ने शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से अपनी लापता पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है। पीड़ित विनोद के अनुसार उसकी शादी को 12 वर्ष हो गए हैं और बच्चे नहीं है। वह गाजियाबाद में काम करता है जबकि पत्नी यहाँ गाँव में घर में रहती थी। वह पिछले वर्ष 13 जुलाई को ड्यूटी पर गाजियाबाद चला गया था। इधर 21 नवंबर को उसकी पत्नी घर से जेवर और पैसा लेकर भाग गई। इसकी जानकारी उसको दिसंबर में हुई। ड्यूटी से छुट्टी लेकर 25 दिसंबर को वह घर आया और काफी खोजबीन किया। जब पत्नी नहीं मिली तब थाने में गुमशुदगी दर्ज करा और अपने ससुराल में भी पूछा तो कोई भी जानकारी होने से इनकार किया गया। अलग अलग जगह पर बुलाकर धमकी भी दी गई। पीड़ित ने मामले में पत्नी को खोजकर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से गुहार लगाई है। सुनते हैं पीड़ित ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं उसकी जुबानी। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? विनोद। कहाँ के रहने वाले हैं? हम निजाम बसापुर के रहने वाले हैं। क्या मामला के यहाँ पे आए हैं? हम आए हैं सर, हमारी औरत भाग गई है। 21 नवम्बर 2023 को भागी है, पैसा और जेवर लेके भागी हैं। हम जो है उससे पहले 13 जुलाई 2023 को हम जो है ड्यूटी पीरियड में थे, गाड़ी पे थे, अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे। तो गांव के हमारे सूचना मिली दिसंबर में कि तुम्हारी बीवी भाग गई। फिर 25 दिसंबर को हमने घर वापस आया भाग के, तो देखा तो हमारे घर पे ताला बंद था। फिर हमने नाते रिश्तेदारों से पूछा तो वो लोग बोले कि हमारे यहाँ पता नहीं है कुछ। उसके पश्चात हम रास्ते में जा रहे थे तो उनके पिताजी मिले। उसके बाद जो है उनसे पूछे तो आनाकानी किए। फिर हम आके 3 तारीख को थाने पे निजामाबाद में गुमशुदगी का रिपोर्ट मुकदमा कायम किए। क्या अब तक मिली कि नहीं मिली? अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। उनके माँ बाप से पूछते हैं तो वो लोग साफ इनको बोलते हैं हमको नहीं मालूम है, तुम जानो। और अन्य प्रकार के वो हमको जगहों पर बुला के मारने की धमकी देते हैं। अच्छा, कहाँ काम करते हैं आप? बाहर में? हम गाजियाबाद में रहते हैं। अच्छा, तो काफ़ी तलाश किया आपने? हमने काफ़ी तलाश किया, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। कितनी वर्ष शादी हुए थे आपको? मैं 12 वर्ष हो गया शादी का। शादी के 12 वर्ष हो गया। बच्चे? बच्चे नहीं है। अच्छा, आज यहाँ आए पुलिस अधीक्षक, क्या चाहते हैं? हम अपना न्याय चाहते हैं। अच्छा, कि हमको न्याय मिले। साहब क्या बोले हैं? साहब बोले ठीक है, कार्रवाई होगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार। न्यूज नाइन भारत चैनल पे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।